खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी ये भी दे रहे कि शहडोल से अपडेट है। एक बार फिर शहडोल में हाथियों का जो मूवमेंट है वो देखा गया है। जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ रही महिला पर हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको अस्पताल में तुरंत भर्ती करा दिया गया है। तो बता रहे हैं कि वन विभाग करा रहा है मुनादी आमझोर वन परिक्षेत्र के बिनाइका का। ये पूरी जो घटना है वो बताई जा रही है। एक बार फिर से हाथियों की जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ रही है। तो आपको बता दें कि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल उसको भर्ती कराया गया है। दरअसल ये महिला जो थी वो जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ रही थी और उसी दौरान हाथियों ने इस पर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से वो घायल हुई है। फिलहाल महिला को भर्ती यहाँ पर करा दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा वन क्षेत्र में चहलकदमी ना करें, क्योंकि हाथियों की जो मूवमेंट है वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में तो आगे बढ़ते इसी बीच एक और अपडेट आ चुका है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। तो ये ताजा अपडेट है, दरअसल ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। सख्ती में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई, बता दें कि हसोत तहसील क्षेत्र के ग्राम डोटमा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। लगातार जारी है अवैध खनन, जिसको लेकर आपको बता दें कि कार्रवाई अब हो रही है। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सख्ती में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को हुआ है। तो सख्ती में इंडिया न्यूज की खबर का असर जो है वो देखने को मिला। दरअसल अवैध खनन का जो कारोबार है वो फल फूल रहा है। ऐसे में अब कार्रवाई विभाग के द्वारा की गई है। हसौद तहसील क्षेत्र के ग्राम डोटमा की घटना है, जहां पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। लगातार जारी है अवैध रेत खनन परिवहन। तो आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई।